जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। दोस्तों, एक स्मार्टफोन में वायरस बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते, लेकिन वायरस पाए जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एक फ़ोन में वायरस आता है तो फ़ोन अक्सर क्या करता है, अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। अजीब अजीब तरीके से एप्लीकेशंस दिखाई देती है, अजीब अजीब तरीके से आपको एड्स दिखाई देते हैं, और भी कई तरीके होते हैं। तो यहाँ से आपको जब ऐसा लगता है तो आप क्या करते हो, एक इंस्टॉल करते हो एंटीवायरस फटाफट प्ले स्टोर पर जाके, और प्ले स्टोर पर आपको ढेरों सारे एंटीवायरस मिल जाएंगे, वायरस रिमूवर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा, जितने भी एंटीवायरस होते हैं या वायरस रिमूवर होते हैं, ये सारी एप्लीकेशंस को आप क्या करो, लात मारकर निकाल दो, और इतनी तेज लात मारो हो सके प्ले स्टोर से ही बाहर निकल जाए। या फिर दूसरा तरीका आप अपनाते हैं फ़ोन को रीसेट करने का, लेकिन आप फ़ोन को कितनी बार रीसेट करेंगे, और रीसेट करने में अपनी डाटा को भी सेव करना जरूरी है, तो इन तरीकों से आप हो जाते हैं परेशान। तो आज मैं दोस्तों आपको तीन तरीके बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप अपने फ़ोन में वायरस आने से रोक सकते हैं, और अगर आ गया तो उससे आप भगा सकते हैं और अपने फ़ोन को बचा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब ज्ञान थेरेपी, प्रेस बेल आइकन एंड डोंट मिस अपडेट्स। तो दोस्तों, ये जो तीनों बातें बताने जा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वीडियो जरूर पूरा देखना। सबसे पहले नॉर्मल केस लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आप क्या करते हैं, कई बार थर्ड क्वालिटी की वेबसाइट्स का सहारा लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी वेबसाइट जो सिक्योर नहीं होती, जिनके पीछे HTTPS नहीं लगा होता, या फिर कुछ और वेबसाइट जो अच्छी सिक्योरिटी नहीं देती अपनी वेबसाइट्स को। और इनमें दोस्तों सबसे ज़्यादा शामिल है पोर्न वेबसाइट्स, या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो आपको फ्री में चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं पैसे वाली। तो ऐसा आपके साथ जरूर हुआ होगा कि जब ऐसी वेबसाइट्स को आप एक्सेस करते हैं तो आपके सामने कुछ मैसेज आता है, पॉपअप टाइप मैसेज आता है कि आपके फ़ोन में वायरस है, आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। फ़ोन वाइब्रेशन करने लग जाता है, डेंजरस, रिस्की यूर फोन, कुछ इस टाइप से मैसेज दिखाता है। कई लोग तो क्या करते हैं, इस पर समझदार होते हैं कि ये फालतू की है, कई लोग क्या करते हैं या तो उस टैब को बंद कर देते हैं, या फिर कई लोग क्या करते हैं जिनको पता नहीं होता वो क्या करते हैं इंस्टॉल कर लेते हैं उस एप्लीकेशंस को, और वो क्या करती हैं तरह तरह की अजीब अजीब एप्लीकेशन इंस्टॉल करा देती है आपके फ़ोन में, वहाँ से वायरस आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं आपके फोन को, डाटा को भी वो चोरी कर ले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूसी ब्राउजर या यूसी न्यूज, इसको जितना मर्जी लात मार के अपने फोन से बाहर निकालो, किसी ना किसी तरीके से आपके फोन में घुसने की पूरी कोशिश करता है। तो ऐसे में दोस्तों आप जो भी ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों मैं क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक ये सिक्योर लगता है और काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा काम करता है। आप कौन सा ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो यहां पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं क्रोम ब्राउजर तो आपको क्या करना है, ये करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली ओपन करना अपना क्रोम ब्राउजर। यहाँ पे आपको थ्री डॉट ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी का। प्राइवेसी में आपको क्या करना है, टैप करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको मिला हुआ ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेफ ब्राउजिंग, इसको ऑन कर देना है। ये क्या करेगा, आपको डेंजरस वेबसाइट्स वगैरह से प्रोटेक्ट करेगा। तो एक काम तो ये करना है पहले आपको, और दूसरा क्या करना है, आपको बैक आना है, और इसी सेटिंग में आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइट सेटिंग। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पॉपअप्स का, इसको क्या करना है आपको दोस्तों, अगर ये यहाँ से ऑन है तो इसको आपको ऑफ कर देना सिंपली। तो यहाँ से आप देखेंगे अभी क्या हो चुका है, यहाँ से पॉपअप्स आपका क्या हो चुका है, ब्लॉक्ड हो चुका है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको जो पॉपअप ऐड आते हैं वो शो नहीं होंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ एड्स भी अगर अलाउड है तो इसको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ जाके क्या कर देना है, इसको ऑफ कर देना है। जैसे इसको आप ऑफ कर देंगे तो मिसलीडिंग एड्स वगैरह जो होते हैं ये सब आपके पास आने बंद हो जाएंगे। तो अगर दोस्तों आपने ये तीनों सेटिंग किया हुआ तो ठीक है, नहीं तो इन तीनों सेटिंग का यूज़ करके आप अपने क्रोम ब्राउजर को सेव कर सकते हैं। तो जो तरीका मैंने आपको दिखाया दोस्तों, इस तरीके से आप अपने फ़ोन में वायरस और क्या कर सकते हैं, मेलवेयर को आने से रोक सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरा टिप बता देता हूँ। दूसरा टिप कि आप क्या करते हैं, शेयरइट का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, लगभग सभी लोग इस्तेमाल करते ही करते होंगे। और आजकल आपने शेयरइट में नोटिस किया कि शेयरइट ऐड का भंडार हो गया, अजीब अजीब ऐड दिखाता है, और कई बार तो उल्टी सीधी एड्स भी दिखाता है शेयरइट। आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि नहीं, कमेंट जरूर करना। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हमें कई बार ऐसी एप्लीकेशन चाहिए होती है जो सामने वाले के मोबाइल में होती है, और कई बार वो एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पर होती हैं, और कुछ ऐसी होती है जो उसने बाहर से डाउनलोड किया होता है। तो हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, किसी और के मोबाइल से उन एप्लीकेशन को लेते हैं, या फिर उसने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करी होती है, कुछ पेड वाली एप्लीकेशन फ्री वगैरह में जुगाड़ करके, तो उनको लेने के लिए हम शेयरइट का इस्तेमाल करते हैं, और ये सोचते हैं कि हमारे पास उस फोन से वायरस नहीं आएगा। तो इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, ये सबसे बड़ी मिथ है, क्योंकि यहाँ पे जो वायरस होता है, मतलब क्योंकि दोस्तों जो वायरस होता है, अगर आप जिस भी फाइल को ट्रांसफर करा रहे हैं, अगर उसका फाइल डिफेक्टिव है, इसमें मेलवेयर वायरस जो भी है वो उसी के साथ ट्रांसफर होकर आपके फ़ोन में आ जाएगा, और अगर आपके फ़ोन में आ जाएगा तो आपके फ़ोन का काम तमाम कर जाएगा। तो बात करते हैं तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट तरीके की। अगर आपका फ़ोन कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहा हो, अजीब तरीके से बिहेव कर रहा हो, बार बार क्रैश हो रहा हो, तो इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि आपके फ़ोन में वायरस वगैरह आ गए हो, या फिर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में आ गई हो जो आप देख नहीं पा रहे, या फिर उनको आप अनइंस्टॉल करते हैं वो अनइंस्टॉल नहीं होती। तो उसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज़ आपके फ़ोन में दिया होता है, बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों, अगर आपको लगे कि आपका फ़ोन कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली जाना सेफ मोड। उसमें जाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सिंपली पावर ऑफ का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आपके पास तीन सिंबल दिखाई दे रहे हैं, तो अभी आपको क्या करना है, इस पर टैप करके रखना है थोड़ी देर तक। जैसे इस पर आप टैप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सेफ मोड, इसको आपको क्या कर देना है, यहाँ पर टैप कर देना और आपका फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसे स्मार्टफोन भी आते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों बटन को प्रेस करके भी सेफ मोड में जा सकते हैं। तो उस तरीके से आपको क्या करना है, सेफ मोड को इनेबल कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों, जब आपका फ़ोन ऑन होगा तो आपको यहाँ पे एक सिंबल दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है सेफ मोड। इससे पता लगता है कि आपके फ़ोन का सेफ मोड इनेबल हो गया और आपको यहाँ पे भी नोटिफिकेशन में दिख जाएगा कि सेफ मोड इनेबल है। तो अभी आपका फ़ोन क्या है कि काफ़ी फास्ट तरीके से काम करेगा, जैसे आपका नया आया था कुछ उस तरीके से काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों, आप देखेंगे जितनी भी एप्लीकेशंस मैंने डाउनलोड करी थी, अभी इन एप्लीकेशंस को आप रन नहीं कर सकते। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज दिखाई देगा कुछ इस तरीके से कि डाउनलोड ऐप्स डिसेबल। तो दोस्तों, अभी सेफ मोड की वजह से आपका क्या होगा कि आपका फ़ोन क्या करेगा, किसी भी एप्लीकेशंस को रन नहीं करेगा जो आपने खुद इंस्टॉल करी है। और यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को अगर अनइंस्टॉल करना चाहें तो यहाँ से सिंपली आपको क्या कर सकते हैं, आसानी से अनइंस्टॉल कर देंगे। और अगर कोई एप्लीकेशन पहले से अनइंस्टॉल नहीं हो रही होगी तो भी अब क्या हो जाएगी, इजीली अनइंस्टॉल हो जाएगी। जैसे आप सारी एप्लीकेशन देख रहे हैं ना, वर्ड, पावर पॉइंट, एडो, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है किसको नहीं, तो आप इन सबको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सैमसंग पे मिनी है, इसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, ये सैमसंग ने खुद इनबिल्ट करके दिया। तो कुछ इस तरीके से आप सेफ मोड का यूज कर सकते हैं, अपने फोन को क्या कर सकते हैं, मिसलीडिंग ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे ही आपको सेफ मोड से बाहर आना, तो यहाँ पे सेफ मोड ऑन है, इसको आप क्या करेंगे, डिसेबल करेंगे, तो ये आपको दिखाएगा कि आपको रिस्टार्ट करना होगा। यहाँ से आपका फोन रिस्टार्ट हो जाएगा और नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको यूजफुल लगी होगी। कितनी यूजफुल लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लोगों को भी पता लगे और हमारे चैनल को भी आगे बढ़ने में मदद मिले। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।